हेलो एवरीवन, आपके सामने आपका आज राजेश हाजिर है। और वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो ऐसी है कि हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रहें। मतलब कुछ ऐसी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, शायद आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको मैं भी ना पता हो तो आपके लिए वो बेहतर भी है कि हम अगर परेशान हैं, अगर हम सैड हैं, अगर हम अपने पास को लेकर टेंशन में हैं, तो हम अपने आज को कैसे खुश रखें, ये मैं ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक पहला एग्जाम्पल ले लें कि आप सैड हैं या आप टेंशन में बैठे हुए अकेले अपने रूम में, तो आपको खुश कैसे रहना है ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले उठें, जाएं कहाँ पे, अपनी फैमिली को टाइम दें। और कहाँ, ऑब्वियसली फैमिली को टाइम देंगे ना यार, उठ के कहाँ जाएंगे, ठीक है, उठ के फैमिली के पास जाएं और मतलब थोड़ा फन करने की कोशिश करें, उनके साथ जाके बैठ के टाइम देखें, उनको फन करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं अपनी थोड़ी हरकतें बता दूँ, कोई मेरे सामने समझो कोई बात बोल रहा है, मैं बोलता हूँ क्या हाला, और अगर कोई कुछ और कहता है तो मैं ऐसे कहता हूँ, मतलब मैं अजीब किस्म की आवाज़ें निकालता हूँ और खुद के चेहरे पे खुशी ला कर दूसरों को खुश करता हूँ। मतलब जब तक मैं खुश नहीं रहूँगा ना, मेरे चेहरे पे खुशी नहीं रहेगी ना, तब तक आगे वाला खुश नहीं रहेगा, ये आपको भी पता है। क्योंकि अगर अभी आप फालतू में भी हंसेंगे ना, मतलब आप फालतू में हंस रहे हैं, लोग जो आपके सामने गुजर रहा है वो एक अनजान है, ठीक है, वो आपको नहीं जानता। अगर फालतू में हंस रहे हैं बोलेगा यार ये कैसा है यार हंस रहा है, मतलब ये भी एक अच्छी बात है कि आपकी वजह से कोई हंस रहा है। लेकिन जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक हम दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगे। अब एक तो बात मैंने आपको अपनी बता दी, ठीक है, अब दूसरा आप समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने पास्ट को लेके बहुत अपसेट हैं, आपका पास्ट मतलब एक ऐसा पास्ट है जिसको मतलब आप सोच सोच के आपको टेंशन आती है या आपको रोना आ जाता है, लेकिन रोने से क्या होगा, दिल हल्का होगा, पास्ट तो नहीं भूल पाएंगे ना। मतलब अपने आज को, अपने आज को कल की वजह से आज को खराब ना करें, क्योंकि अगर आप आज खुश रहेंगे आपका जो फ्यूचर है वो खुशी से गुजरेगा। अगर आप अपने कल को लेके आज परेशान होंगे, आपका फ्यूचर परेशान होगा। तो बेहतर यही है अपने पास्ट को बुला दें, उसको ऐसे बैट बॉल वांग बॉल की तरह उड़ा दें, अपने फ्यूचर में खुश रहें। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में खुश रहें, अगर आप प्रेजेंट में खुश रहते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका फ्यूचर खुश रहेगा, आपके बच्चे खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। तो बेहतर यही है अपने पास को गोली मार दें, अपने प्रेजेंट में खुश रहें, ये अपने आज को खुश रखें, प्रेजेंट को खुश रखें, ताकि आपका फ्यूचर पूरा खुश हो जाए। लेकिन वो मैंने बच्चों वाली बात कर दी थी ना, बिल्कुल सीरियस नहीं लेना बेटा, सीरियस लिया तो मुझे क्या होगा, आप अंशे पर मेरी वीडियो तो देखा है ना, कोई मेरे लिए बहुत ही अनु है ना, तो फन ही तो करना पड़ता है हमें। सॉरी यार, माइंड नहीं करना यार, बस ऐसे ही आवाज़ निकालनी पड़ती है आपको हंसाने के लिए, तो बस आवाज़ तो यार निकालनी पड़ती है। क्योंकि अब मैं कुछ ऐसी हरकतें करता हूँ, मतलब मैं अपनी हरकतें बता रहा हूँ कि मैं उनको कुछ ऐसे रखता हूँ जस्ट आपको बता रहा हूँ, उससे जो बात करते हैं ना, मतलब मैसेजेस पे या कॉल पे या फेस टू फेस, उनको पता है मैं कैसे बात करता हूँ। मतलब जो मुझसे सीरियस चलता है उनसे सीरियस चलता है, फन में चलते हैं तो उनको पता है कि मैं कैसे बात करता हूँ। अभी जो वीडियो देख रहे हैं मेरे कुछ ऐसे होंगे, उनको ये पता है कि मैं कैसे उनसे बात करता हूँ, कैसे मैं मजाक करता हूँ, कैसे मैं मस्ती करता हूँ। तो ठीक है, आज तो ये खुशी का हो गया, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, खुशी के साथ आप यार किसी को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, आपसे किसी को सैड ना करें। आप किसी की खुशी की वजह ज़रूर बने, लेकिन किसी की सैड की वजह ना बने, कि आप किसी को हर्ट करें तो ये ना हो कि वो आपकी वजह से हर्ट हुआ है, ये हो कि वो आपकी वजह से खुश है। मतलब है ना, खुद को खुशी की वजह बनाए, सैड ना, क्योंकि जब कोई ऐसी कोई हम पे ट्रस्ट करता है, हम उनका ट्रस्ट तोड़ते हैं, या कोई हम पे इतना बिलीव करता है, वो हमें इतना चाहता है कि हम उनकी हर बात मानते हैं, लेकिन अगर हम कभी उनका ट्रस्ट तोड़ दें, या हम कभी उनकी उनका भरोसा तोड़ दें, या वो कोई हमसे ऐसी बात शेयर करता है कि हम उनकी बातें आगे शेयर करते हैं, वो उन्हें पता चल जाए, वो मतलब तब इतना हमें मतलब इतना तब दिल पर दर्द होता है कि वो मतलब फील भी नहीं कर सकते, वो आँखों में से आंसू मतलब टेंस हो जाती है, मतलब बहुत अजीब किस्म का वो पल होता है। लेकिन प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को हर्ट ना करें, हाँ खुश रखो, खुश जरूर रखें सबको, लेकिन हर्ट ना करें।
सो मैं अब तो अपनी वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो से ज़्यादा भरी हो जाएगी, फिर आपको शायद मेरा देखना पसंद ना हो, मैं भी आपको पसंद ना हो। सो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक लाजमी करना और आगे आपकी मर्ज़ी। हाँ, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग बनाऊँ तो कमेंट्स में या कहीं पे, मतलब मेरा मोबाइल नंबर मैं आप यहाँ मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन में, उसमें मुझे बस मैसेज कर दें कि आप इस पे ब्लॉग बनाएं या किस पे, वो जो आपका दिल करे, आप चाहते हैं कि मैं इस पे ब्लॉग बनाऊं तो मैं बना दूंगा, कि मैं आपके मैं पूरी पूरा ट्राई करूंगा कि आप जो आप चाहते हैं मैं वो करूं, मतलब वही करूंगा जो मुझे मुनासिब लगेगा। ऐसे नहीं कि आप मुझे उल्टी सीधी बातें करने के लिए बोल दें मैं वो कर लूं। मैं नहीं करूंगा बेटा, समझ गए बेटा बोला है यार, वो कुछ नहीं बोला, माइंड नहीं करना, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।